सभी क्रिकेट प्रेमियों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज है 1 जून और हमारे फेवरेट दिनेश कार्तिक का जन्मदिन है, तो सबसे पहले आप कमेंट में जाइए, लिखिए हैप्पी बर्थडे दिनेश कार्तिक। और स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दिनेश कार्तिक के बारे में, जिस तरह से दिनेश कार्तिक अपने लाइफ में स्ट्रगल किया, जिस तरह से एक नॉर्मल बॉय से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट बॉलर तक अपना संघर्ष किया, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों दिनेश कार्तिक का पूरा नाम किशोर कुमार दिनेश कार्तिक है। जब ये 10 ही साल के थे तभी क्रिकेट में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, और शुरुआती दिनों में जो उनके प्रैक्टिस कराते थे इनके पिता किशोर कुमार, जो कि तमिलनाडु रणजी टीम के खुद ही प्लेयर थे, वो खुद ही क्रिकेट खेलते थे उनके पिताजी, और अपने बच्चे दिनेश कार्तिक को ही क्रिकेट खिलाना शुरू कर दिया था। दोस्तों मैं एक चीज़ ये देखता हूँ, जिसके पिता अच्छा क्रिकेट खेलते हैं उसके बेटे भी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। मैं सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है वो भी आगे चल के अच्छा क्रिकेट खेले। मैं रोहन गावस्कर की बात नहीं कर रहा हूँ, सुनील गावस्कर के बेटे की। चाहे दिनेश कार्तिक को देख लीजिए, इनके पिताजी रणजी क्रिकेट खेलते थे और दिनेश कार्तिक को प्रशिक्षित किया, कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक देश के लिए खेले। युवराज सिंह को देख लीजिए, युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह जो कि भारतीय टीम के लिए खेलते थे, युवराज सिंह को जिस तरह से प्रशिक्षित किया था, युवराज सिंह आज इतने बड़े प्लेयर हैं। 2011 का विश्व कप ही नहीं जीताया था, बल्कि आज ICC T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला हो रहा है उसमें युवराज सिंह ब्रांड एम्बेसडर हैं ICC T20 वर्ल्ड कप के। तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जिनके पिता क्रिकेट खेलते थे, तो कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट उनको बच्चों को मिला है। जब दिनेश कार्तिक 14 साल के थे तभी इनका सिलेक्शन अंडर 14 तमिलनाडु टीम के लिए हो गया था, और शुरू से लेकर अंत तक ये तमिलनाडु टीम की तरफ से खेलते ही रहे थे। उसके बाद अगले साल सन 2000 में इनका अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि खेलने में अच्छे थे, बैटिंग अच्छी करते थे, स्ट्राइक रेट अच्छा रहता था और विकेट कीपिंग भी अच्छी करते थे। उसके बाद सन 2004 में बांग्लादेश में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था 50-50 ओवर का, जिसमें दिनेश कार्तिक कप्तान थे। सन 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में भारतीय टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद सन 2008 में विराट कोहली की अगुवाई में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। तो सन 2004 में उस समय कप्तान दिनेश कार्तिक थे, भारत ने सेमीफाइनल मैच खेला था, पाकिस्तान के साथ मैच वो हार गया था, तो सेमीफाइनल से वो फाइनल तक नहीं पहुँच पाए थे। लेकिन जो 2004 में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारतीय टीम के लिए आज खेल रहे हैं, चाहे वो सुरेश रैना हो, चाहे शिखर धवन हो, चाहे वो रॉबिन उथप्पा हो, चाहे अंबाती रायडू हो, चाहे आरपी सिंह हो, ये सारे प्लेयर हैं जो दिनेश कार्तिक के साथ खेले थे, 2004 का वर्ल्ड कप खेले थे, कहीं ना कहीं भारत देश के लिए खेले, और सारे अच्छे प्लेयर हैं। उसके कुछ दिन बाद सन 2004 में दिनेश कार्तिक का इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्शन हो गया, पहला मैच इंग्लैंड के साथ खेला था। उसके 2 महीने बाद इनका सिलेक्शन हो गया टेस्ट के लिए, ऑस्ट्रेलिया से मैच खेला था। वो मैच ऐसा था दोस्तों कि दिनेश कार्तिक दोनों पारियों में मात्र 14 रन ही बनाए थे, लेकिन विकेट कीपिंग बहुत ज़बरदस्त किए थे, क्योंकि वो ऐसा टेस्ट मैच हुआ था कि 2 ही दिन में 40 विकेट गिर गए थे। वो ऐसा भारत और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच था कि 2 दिन में 40 विकेट गिर गए थे, और 5 दिन का मैच 2 ही दिन में खत्म हो गया था। उस मैच में दिनेश कार्तिक विकेट कीपिंग बहुत अच्छी किए थे। फिर उसके बाद दिनेश कार्तिक का चयन की बात आने लगी तो 2004 में MS धोनी का सिलेक्शन हो गया। तो बहुत सारे सिलेक्टर दिनेश कार्तिक को सिलेक्ट कर रहे थे, बहुत सारे सिलेक्टर MS धोनी को सिलेक्ट कर रहे थे, फाइनली मुहर लगी MS धोनी के सिलेक्शन में। MS धोनी अच्छा खेलते गए, चाहे श्रीलंका के खिलाफ ट्रॉफी हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, अच्छे से अच्छा मैच खेलते गए और अपनी जगह कहीं ना कहीं बनाते गए। अब दिनेश कार्तिक का नंबर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि विकेट कीपर के रूप में MS धोनी ने अपनी जगह बना ली थी। उसके बाद 2006 में जब T20 हुआ था उसमें दिनेश कार्तिक ने खेला था। फिर उसके बाद 2007 में MS धोनी को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था। अब उसमें यह होता था कि जिस मैच में MS धोनी चोटिल रहते थे उसी मैच को केवल दिनेश कार्तिक खेलते थे, जिस मैच में या किसी कारणवश MS धोनी नहीं खेलते थे उसी को दिनेश कार्तिक को खिलाया जाता था। यही कारण है कि दिनेश कार्तिक को शुरुआती में मौके बहुत कम मिले। जब 2007 में T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था उसमें दिनेश कार्तिक भी उसके हिस्सा थे। उसके बाद IPL शुरू हो गया, तो मानो दिनेश कार्तिक के जीवन में बाहर ही आ गई। 2007 में दिनेश कार्तिक की शादी हुई थी, बाद में 2012 में तलाक हो गया था, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। 2008 में पहली बार दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से सिलेक्शन हुआ था दिनेश कार्तिक का, 2010 में भी खेले थे। 2011 में दिनेश कार्तिक IPL में दूसरे सबसे महंगे प्लेयर थे जिनको किंग्स इलेवन पंजाब ने खरीदा था। उसके बाद फिर अगले साल मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे, फिर उसके बाद फिर दिल्ली कैपिटल के लिए आए थे, गुजरात लायंस के साथ 2 साल खेले थे। उसके बाद फिर 2017 में KKR के साथ जुड़े थे, KKR के कप्तान भी थे, मैच अच्छा खेले थे दिनेश कार्तिक उसमें नो डाउट, लेकिन टीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी जिसकी वजह से कप्तानी हटाकर मॉर्गन को बना दिया था, कोलकाता वालों ने बना दिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस इनका खराब था। उसके बाद एक ट्रॉफी याद आती है, आप सभी को याद होगी बांग्लादेश के खिलाफ मैच हुआ था मिदहास ट्रॉफी, जिसमें आखिरी गेंद में दिनेश कार्तिक ने छक्का मारकर मैच को जिताया था। उस मैच में ऐसा हुआ था दोस्तों कि बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करते हुए 166 रन बनाए थे, भारत को जीत के लिए 167 रन बनाना था, और कहीं ना कहीं 133 रन के स्कोर पर भारत के 5 विकेट गिर गए थे, और कहीं दिनेश कार्तिक को उतारा नहीं गया था। दिनेश कार्तिक खुद ही एक इंटरव्यू में बोले थे कि मुझे 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए उतारा गया था, इसलिए मैं काफ़ी गुस्से में था। और दिनेश कार्तिक पहले जाते ही 6 गेंदों में 22 रन मार दिए थे, उसके बाद अगले ओवर में विजय शंकर के विकेट ही गिर गया था, और आखिरी गेंद में 5 रन बनाना था, बॉलर थे सौम्य सरकार, आखिरी गेंद में कवर को ऊपर से छक्का मारकर शानदार वो निदास ट्रॉफी जीता।
बताई थी वो ऐसा मैच था कि यहाँ करो या मरो का मैच था, अगर भारत उस मैच को हार जाता तो ट्रॉफी हाथ से चली जाती। तो उसके लिए दिनेश कार्तिक याद किए जाते हैं, बेस्ट फिनिशर के लिए याद किए जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा बीच फिर कुछ उनका डाउनफॉल हो गया, फिर उसके बाद कमेंट्री करने लगे। दिनेश कार्तिक क्रिकेट में कमेंट्री बहुत अच्छी करते थे, अब लोग ये नहीं समझ पा रहे थे क्रिकेट दिनेश कार्तिक क्रिकेट खेलते हैं, बैटिंग करते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, कमेंट्री करते हैं। फिर ये था कि दिनेश कार्तिक लगातार मैच खेलते ही रहते। तो 2022 में इनको चेन्नई सुपर किंग्स ने बोला था कि हाँ आपको मैं अपने आईपीएल टीम में ले लूँगा, कहीं ना कहीं चेन्नई के रहने वाले भी हैं, तमिलनाडु की कप्तानी की है, हमेशा तमिलनाडु के लिए प्रथम श्रेणी मैच खेलते थे। लेकिन जब दिनेश कार्तिक की बोली लगना चालू हुई 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, फिर फाइनली में चेन्नई का आरसीबी का संघर्ष होता रहा। 5.5 करोड़ में आरसीबी ने जाकर दिनेश कार्तिक को खरीद लिया और दिनेश कार्तिक 2022 में आए थे, तहलका मचा दिया था आरसीबी के खिलाफ। और 2024 में भी जो हुआ था ये आईपीएल मैच, इसमें विराट कोहली के बाद सबसे बेस्ट प्लेयर आरसीबी के थे तो वो दिनेश कार्तिक थे, बेस्ट फिनिशर की भूमिका निभाते थे, लंबे लंबे छक्के चौके लगाते थे। और आज दिनेश कार्तिक का जन्मदिन है तो हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसके लिए भाई तो एक लाइक तो बनता ही है। और दिनेश कार्तिक के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई दोस्तों। अब मैं बात करूँगा दिनेश कार्तिक के पर्सनल लाइफ के बारे में। दिनेश कार्तिक की वाइफ का नाम है दीपिका पल्लिकल, जो कि स्क्वैश खिलाड़ी हैं। दिनेश कार्तिक ने अपने बचपन की फ्रेंड निकिता से 2007 में शादी की थी और कहीं ना कहीं मुरली विजय जो कि दिनेश कार्तिक के दोस्त थे, बाद में उनका अफेयर उनकी पत्नी निकिता का मुरली विजय के साथ हो गया था। तो 2012 में निकिता ने दिनेश कार्तिक से बोला कि विजय का बच्चा मेरे पेट में है, अब मैं आपसे अलग होना चाहता हूँ, मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूँ। 2022 में निकिता का तलाक दिनेश कार्तिक से हो गया था और उसी में दिनेश कार्तिक काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था, क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, जिम जाना छोड़ दिया था। तो वहाँ से दिनेश कार्तिक का करियर बिल्कुल एकदम खत्म हो गया था। दिनेश कार्तिक ने खुद इंटरव्यू में बोला था कि हाँ उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन उनके कोच एक दिन उनके घर गए तो देखा कि वो दाढ़ी बाल बड़े बड़े किए हुए वो घर में बैठे हुए हैं। बाद में उनको उनके कोच जो एथलेटिक्स कोच थे उनको समझा बुझा के ले गए, उनको ट्रेन करना जिम ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए। बाद में वहाँ पर क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगे, फिर बाद में वहाँ पर जिम में उनकी मुलाकात हुई स्क्वैश प्लेयर दीपिका पल्लिकल, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर थी, कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ गेम के लिए, एशियन गेम्स के लिए कई मेडल जीत कर लाई थी। दीपिका पल्लिकल की माँ जो थी इंटरनेशनल क्रिकेटर थी, वो भारत देश के लिए क्रिकेट खेल चुकी थी, तो कहीं ना कहीं वो दिनेश कार्तिक को समझती थी, उनकी मेहनत को समझती थी। 2015 में जाके शादी किया, फिर बाद में उनके बच्चे भी हुए दिनेश कार्तिक के। उधर दिनेश कार्तिक अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे और क्रिकेट में, उधर दीपिका पल्लिकल स्क्वैश में अच्छा परफॉर्मेंस करने लगी। और मुरली विजय जो कि उनकी दिनेश कार्तिक की पहली पत्नी के साथ शादी हुआ था, उनका करियर कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था। ऐसा ख़त्म हो गया था जब उनकी दिनेश कार्तिक की पत्नी ने मुरली विजय के साथ शादी कर ली थी, तो उस टाइम दिनेश कार्तिक अन तमिलनाडु के कप्तान थे। परफॉर्मेंस खराब गया डिस्टर्बेंस की वजह से, उसके बाद उनकी कप्तानी चली गई। जब दिनेश कार्तिक की कप्तानी चली गई तो मुरली विजय को कप्तान बना दिया गया। जब मुरली विजय रणजी के लिए अच्छा खेले थे तो उनको चेन्नई सुपर किंग में मौका मिल गया, चेन्नई सुपर किंग में अच्छा खेलते थे। जब चेन्नई सुपर किंग में अच्छा खेलते थे तो वो टेस्ट के लिए भारत में ओपनिंग करने के लिए जाते थे, कई मैच में मुरली विजय ओपनिंग किए थे। लेकिन बाद में जिस तरह से ये होता है कि ना, हमेशा सच्चाई की जीत होती है, तो दिनेश कार्तिक का बाद में परफॉर्मेंस बढ़ता गया। आज दिनेश कार्तिक 39 साल के हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो आईपीएल से संन्यास ले लिए हैं, लेकिन मुरली विजय का कहीं पता नहीं है और दिनेश कार्तिक आज भारत के स्टार हैं। तो दिनेश कार्तिक का जन्मदिन है भाई, तो हम सभी लोग दिनेश कार्तिक का जन्मदिन सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी है, तो सभी जितने किसान लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो भाई दुग्ध दिवस मना रहे हैं। दोनों डे है, आज स्पेशल डे है, तो भाई दिनेश कार्तिक को हम सब की तरफ से विश यू हैप्पी बर्थडे। जिस तरह से संघर्ष किया उसी तरह से भाई कहीं ना कहीं सभी को संघर्ष करना चाहिए। क्रिकेट मैच अगर आपका बच्चा है, अगर वो क्रिकेट खेलना चाहता है तो वो छोटा सा 10 से 11 साल का है, तभी उसको आप एकेडमी ज्वाइन करा लीजिए, क्योंकि जब वो क्लब में खेलता है तो क्लब वर्सेज क्लब मैच खेलते हैं। जब वहाँ से आपका बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक खेलेगा जिले के लिए, जब वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस करता है तब वो राज्य के लिए खेलेगा, जिसको रणजी बोलते हैं, फिर जाके कहीं ना कहीं आईपीएल में खेलेगा, फिर कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए खेलेगा। कभी कभार तो ऐसा होता है कि सीधा रणजी के बाद भारतीय टीम के लिए खिला लिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिकेट है, जो मेहनत कर गया वो आगे बढ़ गया, मेहनत ही कहानी है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। दिनेश कार्तिक अगर आप भी फेवरेट हैं तो भाई लाइक करिए, मेरा तो भाई आइडियल है दिनेश कार्तिक।